हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस। तो इस चैनल के ऊपर एक गजब का वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। लगभग एक घंटे में 12,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। जरूर इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, वरना स्टॉक मार्केट में आपका पैसा कभी भी यहाँ पे डूब सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, लिंक ऊपर आए बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन का ये पहला वीडियो है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। आप सभी लोगों ने देखा होगा, कल भी मैंने एक वीडियो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में अपलोड किया था। एंड उसी का कंटिन्यूएशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जो बोलते हैं ना, इतने मतलब प्रॉब्लम्स बार बार यहाँ पे आ रहे, वो और भी यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो मतलब बैड पैच है, वो और हम लोग को बड़ा होते हुए भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो 2021 की शुरुआत भी अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो इतनी खास यहाँ पे नहीं हो चुकी है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, तो वो न्यूज़ तो हम लोगों ने देख ली थी, बट अभी हमारे सामने सारे सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि एलिगेशन यहाँ पे लगाए गए कि रिलायंस में किस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, उसी के बारे में ये डिटेल वीडियो है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे, सर ये एग्जैक्टली हुआ कब, उसी के साथ साथ मतलब कैसे किया गया, तो सारे अभी आप लोगों के डाउट्स यहाँ पे जितने भी थे वो यहाँ पे रिड्रेस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 1900-2000 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ एक महीने से हम लोग हमेशा देखते हैं कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। एंड अगर ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आते रहेंगे तो बहुत ही आसानी यहाँ पे बढ़ जाएगी रिलायंस के शेयर में गिरावट होने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी शेयर जब लंबे अवधि के लिए कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाता है, एंड वो भी अनसर्टेनिटी की वजह से, सो ऐसे वक्त कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आना इस स्टॉक के लिए और भी ख़राब बात यहाँ पे हो सकती है। सो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग आर्टिकल के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। जो न्यूज़ हम लोगों के सामने है वो फ्राइडे के दिन ही हम लोगों को देखने को मिली थी, मैंने भी कवर किया था। एंड ये जो मैटर है दोस्तों, वो अगर मैं बात करूँ तो ये 2007 का मैटर है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, वरना यही वीडियो 30 मिनट का भी यहाँ पे हो सकता है। सो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप सब लोग पता है इंडियन मार्केट का वॉचडॉग मतलब सेबी की यहाँ पे बात हो रही है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पे 250 मिलियन और वीकेंड से 25 करोड़ का यहाँ पे फाइन लगा है। इतना तो हम लोगों को कल भी पता चला था, बट यहाँ पे एग्जैक्टली मैटर क्या है वो तो हम लोगों को पता नहीं था। तो अभी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बाहर आ चुकी है। उसी के साथ साथ सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर 25 करोड़ का फाइन नहीं है, बल्कि उनके जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उनके ऊपर भी 15 करोड़ का यहाँ पे फाइन लगा दिया गया है। एंड उसके ऊपर जो आरोप है, जो फाइन लगा है उसका आरोप है दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रेड्स। यस दोस्तों, यहाँ पे मतलब फ्रॉड करके ट्रेड्स लिए गए हैं एंड प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जा चुकी है। ये सारी बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड किससे रिलेटेड, वाइल सेलिंग द स्टेक, आप देख सकते हो जब स्टेक सेल कर रहे थे तब का ये मैटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इन अ सब्सिडरी 2007। सो अगर देखा जाए तो ऐसे डायरेक्टली तो हम लोग नहीं बोल सकते, बट चाहो तो हम लोग कह सकते कि स्टेक सेल से रिलेटेड ऐसे ही सेम पैटर्न हम लोग को और एक मिड कैप वाले स्टॉक में भी देखने को मिला था। डायरेक्टली मत कनेक्ट कर लेना, तो वो थोड़ा वो अलग है और ये अलग है, बट पैटर्न अगर देखने जाए तो वो बिल्कुल हम लोग को सेम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है दोस्तों, तो उसी के बारे में ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद से पूरा वीडियो इसी पैराग्राफ के ऊपर हम लोग को यहाँ पे चलते हुए देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ों को पढ़ लेते हैं, एक एक जो चीज़ें रहती है ना दोस्तों, उसको डिकोड करने का बोलते हैं ना, एक एक वर्ड्स को, तो आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो सेबी की बात करें, एलिज मतलब आरोप लगाए दैट द ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमेरेट मतलब रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, टुक अ डेरिवेटिव शॉर्ट पोजिशन, ओके डेरिवेटिव मतलब ये FNO की बात करें, जो भी मामला यहाँ पे सामने आ रहा है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड वो भी किससे रिलेटेड, शॉर्ट पोजिशंस उन्होंने की है, ठीक है। इन द शेयर्स ऑफ अ सेपरेटली लिस्टेड RPL मतलब रिलायंस पेट्रोलियम कंपनी की बात करें, और 2007 का मामला है, मैं बार बार आप लोगों को जिक्र मतलब याद कराना चाहता हूँ। इन अ 2007 थ्रू थर्ड पार्टीज बिफोर इट सोल्ड अ 5% स्टेक इन द बिजनेस। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि एक सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी मिड कैप वाली, हम लोग मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो गलत रहेगा, बट सिमिलर टाइप हम लोगों को ऐसी चीज़ें एक मिड कैप वाली कंपनी में भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली थी। पैटर्न उसी टाइप का था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है बहुत ही ईजी है दोस्तों, कि यहाँ पे जो रिलायंस है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन क्रिएट कर ली डेरिवेटिव में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अभी
शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना मतलब कंपनी को पता है आज हमारा शेयर 100 का है तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, ये 80 रुपये तक हो जाएगा, एक ऐसी न्यूज़ सामने आ जाएगी तो 20 रुपये का प्रॉफिट आप सभी लोग पता है शॉर्ट पोजीशन से ऐसे ही पैसा बनता है। अगर वो खुद करने जाएंगे तो यहाँ पे अटक जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ली सेपरेटली, बट किसके थ्रू कर ली, थर्ड पार्टीज़ के थ्रू कर ली। तो दोस्तों इसी के फायदा उन्होंने उठाया एंड आप देख सकते हो कब किया, बिफोर इट्स सोल्ड अ 5% स्टेक इन द बिजनेस। जैसे ये 5% स्टेक सेल का न्यूज़ सामने आ गया तो शेयर में गिरावट होगी, तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया और ये सारा मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप किया था रिलायंस ने एंड मुकेश अंबानी ने, ऐसा मतलब इनके ऊपर यहाँ पे आरोप है एंड सेबी ने इसके खिलाफ मतलब सारी चीज़ें कर भी ली है एंड लगभग टोटल अगर हम लोग बात करें 70 करोड़ का फाइन है, मतलब हम लोग कह सकते हैं इसमें से 25 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, 15 करोड़ जो उनके चेयरमैन है मुकेश अंबानी के ऊपर यहाँ पे लग चुका है। हम लोग ज़रूर देखेंगे बाकी का फाइन किसके ऊपर लगा है, बट ये सबसे जो इम्पोर्टेंट वाली बात है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे फटाफट कवर कर ली है। डिटेल में हम लोग और भी जा सकते कि उन्होंने कैसे किया, 12 एजेंट्स के साथ मिलके ये सारी चीज़ें सेट कर लिए, ये हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो फाइन है दोस्तों ये सब कुछ मतलब पुराना जितना भी हिसाब है वो मतलब पकड़ कर यहाँ पे लगा है, मतलब जितने भी ये जो अमाउंट्स यहाँ पे देखने को मिले से भी पूरा का पूरा यहाँ पे फाइन लेता है एंड उसी के साथ साथ 12% एनुअल इंटरेस्ट लगाकर सेबी ने यहाँ पे क्या कर लिए, जो अनलॉफुल गेन उन्होंने यहाँ पे कमाए डील के थ्रू उसके प्रति ये जितना भी पैसा कमाया था उसको यहाँ पे सेबी ने रिकवर किया, ऐसा सेबी ने मतलब अपने स्टेटमेंट में यहाँ पे बता दिया है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सेबी ने उसके बाद और एक बड़ा फैसला लिया, आप देख सकते हैं इट्स ऑल्सो बैरेड रिलायंस एंड सम थर्ड पार्टीज फ्रॉम द ट्रेडिंग इन अ डेरिवेटिव फॉर द 1 ईयर। 1 ईयर का बैन आप ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो रिलायंस के ऊपर भी, ये किसकी हम लोग बात करें डेरिवेटिव सेगमेंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड वो जो थर्ड पार्टी थी उनको भी इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया है। हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि हम लोग जरूर कहेंगे कि ये तो सेबी ने बोली हुई चीज़ है, तो आप देख सकते हैं एट द टाइम रिलायंस इंडस्ट्री सेड, उन्होंने अपना भी पक्ष यहाँ पे सामने रखा है जो कि मेरा काम है बताना। तो आप देख सकते हैं सेड द ट्रेड्स एग्जामाइन बाय द सेबी वर जेन्यून एंड बोनाफाइड ट्रांजेक्शन, मतलब जो चीज़ें सेबी यहाँ पे आरोप लगा रही है वो एक्चुअल में जेन्यून है, कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, ऐसा रिलायंस इंडस्ट्री का मानना है एंड जो सेबी यहाँ पे जो चीज़ों को यहाँ पे देख रही है वो मिसकंस्ट्रक्ट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं द ट्रू नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इम्पोज द अनजस्टिफाइबल सैंक्शंस। हम लोग कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर जो आरोप लगे वो उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे उसको एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया है, जो कि यूजुअली हम लोग को होते हुए देखने को मिलता है। दोस्तों हम लोग अगर ये आखिरी पैराग्राफ यहाँ पे देखें, जैसे कि अगर ये सेबी, आप देख सकते हैं सेबी सेड में खुद अपने मन की बात नहीं कर रहा, इन द फ्राइडेज 95 पेज का ऑर्डर है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया द सेड स्कीम ऑफ मैनिपुलेशन वॉज डिसेप्टिव एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट की हम लोग बात बोल सकते हैं एंड उसी के साथ साथ एडिंग दैट और भी उन्होंने बताया दैट द अंबानी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज एक्टिविटीज। तो उन्होंने क्लियर कट मुकेश अंबानी को यहाँ पे जिम्मेदार ठहराए इस पूरे एक्टिविटी के लिए एंड उनके ऊपर 15 करोड़ का भी यहाँ पे फाइन लगा दिया है। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया टोटल ये 70 करोड़ का ये मामला है, जिसमें सेबी ने फाइन 25 करोड़ का रिलायंस पे लगाया, 15 करोड़ अंबानी के ऊपर लगाए एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं द कंपनीज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ 20 करोड़ ऑन द नवी मुंबई SEZ एंड 10 करोड़ ऑन अ मुंबई SEZ। इनके ऊपर भी यहाँ पे फाइन लगाए, टोटल अगर आप करके देखोगे तो 70 करोड़ का ये माजरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसे मैंने कहा आप लोग किसी भी आर्टिकल में जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बट मैंने आप लोगों को फटाफट एक ओवरव्यू दे दिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कि कंपनी पहले ही क्या करने वाली थी यहाँ पे स्टेक सेल करने वाली, 5% उससे शेयर नीचे गिरेगा तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे तो फायदा होगा। इसके लिए उन्होंने थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए 12 एजेंट्स टुक अ शॉर्ट पोजीशन इन अ डेरिवेटिव सेगमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, बट ये समझ में नहीं आया था। ये सारा मैटर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला एंड नवंबर 2007 से ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही, जिसका पूरा रिजल्ट अभी फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा एंड हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर हम लोग को देखने को मिला है कि जैसे कि अमेजॉन फ्यूचर रिटेल ये तो सारी चीज़ें चली रही, जिसके कारण 14,000 मार्केट आने के बावजूद स्टॉक में हम लोग को बड़ी जंप देखने को नहीं मिल रही। उसी के साथ साथ सऊदी अरेमको की डील में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो कोई यहाँ पे स्पष्टता देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ डिलेज यहाँ पे हो रहे हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे रेज हो रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अभी ये फिलहाल का जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रहा है, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसका भी इम्पैक्ट हम लोगों को मंडे के दिन बाजार में यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ज़रूर होते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो ज़रूर कहना चाहूँगा मंडे के दिन रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ अगर आते रहेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस हम लोग को ज़रूर यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे बैठे हुए वो प्रॉफिट बुक करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग को टेक्निकल एरर देखने को मिले थे, एक दो दिन से चल नहीं रहा था। सो 1 जनवरी की बात करें तो आप कह सकते हैं 21 से लेकर 22% की डिलीवरीज रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग को उठाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों अभी आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पे समझ में आएगा। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही मैंने छोटी सी न्यूज़ एक कवर की थी, आप ये लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे रिलायंस से रिलेटेड भी मैंने एक छोटा अपडेट दिया था। सो एग्जैक्टली ये बहुत ही लेट नाइट वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो एग्जैक्टली डिटेल्स भी सामने नहीं आई थी। सो अभी सब कुछ डिटेल हमारे सामने है, कैसे यहाँ पे एग्जैक्टली मैनिपुलेशन हुआ है, सेबी ने क्या क्या आरोप लगाए एंड कितना पेनल्टी भी यहाँ पे लगा है, वो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। सो ज़रूर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।